नमस्कार, मैं मुकेश वर्मा, भाषा समाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर उमंग खन्ना साहब के बारे में, जो एक लंबे अरसे से गरीबों की सेवा करते चले आ रहे हैं, उन्हें इलाज मुहैया करते चले आ रहे हैं। आप देश में नहीं पूरी बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से इलाज के लिए आप मुहिम छेड़े हुए हैं, लोगों के बीच को लोग जागरूक कर रहे हैं, उन्हें सही तरीके से उन्हें आप बता रहे हैं कि आखिर बीमारी क्या है, उन्हें किस तरीके से किस सहूलियत से उन्हें इलाज करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको दूसरी चीज़ बता दें कि जो डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक है, ये नखास में ही है। एक लंबे अरसे से आप लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। जिसके पास पैसा है ठीक है, नहीं है तो भी। फिलहाल हम बात करते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना साहब से। डॉक्टर साहब, जो आप यहाँ पर इलाज करते हैं, जो सृजन भारत को लेकर आपने मुहिम छिड़ रखी है, क्या है ये मुहिम और किस तरीके से, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। जीवन में जब वक्त गुजरता गया तो मैं भी डॉक्टरों के यहाँ जाने से अछूता नहीं रहा। मुझे भी अस्पताल में जाना पड़ा, मुझे भी वहाँ लाइन में लगना पड़ा। और उसके बाद एक वक्त आया, मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब बीमार पड़े, तो एक स्थिति आई कि मैं यहाँ के SGPGI दौड़ा, मेडिकल कॉलेज दौड़ा, और हर जगह डॉक्टरों ने हमको, फादर को हमारे बाहर स्ट्रेचर पे, बाहर जो हॉल होता है उसमें, बाहर लॉबी होती है उसमें लिटा दिया, और एक एक दिन वहीं पर वो ट्रिप लगाए, उनको रखे रहे। तो जब ये मैंने भयावह स्थिति अस्पताल की देखी तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अनुचित है। मानव का जो अधिकार होते हैं, मानवाधिकार, उनका पूरा हनन है। तो मेरा ये जो मैं पहले से कर रहा था, इसका मेरा रिजॉल्व और पक्का हो गया। तो इस दुख को देख के मैंने 3-4 बातों में सोचा, जो कि एक ये कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उसके लिए हमने स्टेप उठाया कि डॉक्टर का, हमारा फोन नंबर 94-15-786-380 हर वक्त हर मरीज के लिए अवेलेबल है। दूसरा, मैंने देखा, मैं खुद डॉक्टरों के यहाँ 5-5 घंटा बाहर बैठा रहा, लॉबी में वेट करता रहा अपना नंबर आने का। जी, जी, जी। तो आज का जो वक्त है, इतना कीमती वक्त है कि इसमें हम ज्यादा देर के लिए बैठते हैं तो उतना हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। यही भावना मैंने मरीज की भी समझी, और चाहे पुलिस थाना हो, चाहे डॉक्टर का क्लिनिक हो, मरीज के लिए या फरियादी के लिए वो मानसिक उत्पीड़न से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मानसिक जो उत्पीड़न वाली जैसे जो बात कही, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से डॉक्टर्स या तमाम तरीके की जो क्लिनिक खुली हुई हैं और इलाज मुहैया करा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिलहाल जो आप इलाज के लिए, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप लगातार सलाह भी देते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी के नाम से, और वेबसाइट भी है DrUmangKhanna.com के नाम से ही। हम आगे बात करें डॉक्टर साहब, आज का जो दौर है, जो इलाज की जो बात होती है, क्योंकि जो प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं उनके जो इलाज है, वहाँ पे गरीब आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फीस बहुत मोटी होती है। ऐसे में आप जिस तरीके से इलाज करते हैं, क्या लगता है कि आपको रिशो का दवा का खर्चा निकल पाता है कि नहीं निकल पाता होगा? मुझे नहीं लग रहा है इस स्थिति में। भगवान की बड़ी कृपा है, पहले तो भाषा संवाद ने इसके लिए मेरे लिए चिंता करी, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग के इतने मरीज आते हैं कि खर्चा भी निकलता है और ऊपर वाला हमें पैसा भी दे रहा है, लेकिन मरीज हमारे यहाँ खुश होके जाता है। शायद यही एक ऐसा क्लिनिक होगा कि मरीज आता है, दिखाता है, और वो दिखाने में खुश होता है, तो हमारा खर्चा बिल्कुल निकल आता है, और हर डॉक्टर का निकल सकता है। मुझे यहाँ डॉक्टरों से शिकायत है, देखिए अब अगर हमें फार्म हाउस एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा फार्म हाउस हमारा लक्ष्य ना हो खोलना, तो जो है इसमें बहुत कठिनाई नहीं है पैसा निकलने में, क्योंकि जो भी जाता है कुछ आपको दे के जाता है, और फिर जो आपको दुआएं मिलती हैं उससे चीज़ें और बढ़ती है। तो मेरा खर्चा बिल्कुल निकलता है, हम लोग बिना कोई कमीशन लिए जांच में, बिना किसी से एक पैसा लिए, हमारा पूरा खर्चा निकलता है, और हमारा क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है। जो तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं, किस तरीके की बीमारियों का आप इलाज करते हैं लोगों का, और जो बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से किडनी की हो गई, हार्ट की हो गई, या दमे की बीमारी, ऐसी जो असाध्य है, जिनके नाम पर डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं लाखों रुपए मरीजों से ले लेते हैं, क्या लग रहा है कि जो होम्योपैथिक में क्या इनका इलाज की सुविधा है, किस तरीके का है वो? होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज है। आज के वक्त में जर्मन दवाएँ, बेहतरीन से बेहतरीन दवाएँ अवेलेबल हैं। सारे असाध्य रोग, जैसे गठिया हो गया, हिंदुस्तान में 9 करोड़ गठिया के मरीज हैं इस वक्त, और एक स्थिति ऐसी भयावह बन गई कि 40 साल की उम्र की हर महिला को गठिया हो रही है, ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती तो गठिया हो रही है। दूसरा, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, 6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में डायबिटिक हैं,
और इनको कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, अंत में इंसुलिन तक चले जाते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, लेकिन चीज को कंट्रोल करने के लिए निश्चित रूप से एलोपैथी बहुत आवश्यक है और डायबिटीज में हम लोग कहते हैं दवा लो, लेकिन साथ में कुछ ऐसा लो कि नेचुरल इंसुलिन भी तो सीक्रेट होना शुरू हो पैनक्रियाज से, कि आप केवल दवा ही बढ़ाते रहोगे। तीसरी स्थिति आती है साइनोसाइटिस, मरीज का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद भी उसके दर्द बना रहता है, छींकें बनी रहती हैं और क्योर नहीं पाता है। चौथी कंडीशन आती है पाइल्स की, बवासीर की, आदमी बाइंडिंग कराता रहता है मरीज और उसको फिर पाए से एक साल बाद 8 महीने बाद होता रहता है, हालांकि इसमें उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत जिम्मेदार होता है। फिर एक स्थिति आती है माइग्रेन की, माइग्रेन सर का दर्द होता रहता है, आदमी दर्द की गोली खाता रहता है लेकिन माइग्रेन का दर्द नहीं जाता। फिर एक स्थिति आती है बाल झड़ने की, आदमी 2000 रुपए का तेल लगा लेता है, आजकल एक बड़ा ही चर्चित तेल चला है, आजकल हर आदमी उसको खरीद के लगा रहा है लेकिन फायदा दिखने वाला अभी तक हमें एक आदमी तेल लगा के आज तक अभी तक तो नहीं मिला। फिर एक स्थिति आती है कि छोटी छोटी बच्चियों के PCOS, PCOD हो रहा है, यूट्राइन में सिस्ट हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है साहब ऑपरेट करेंगे, वो गलत नहीं कहता, उसके पास सर्जरी उसका उपाय है, वो वही बात रखता है, लेकिन क्या 15 साल की लड़की की अगर सिस्ट पड़ गया है तो क्या वो यूट्रस निकलवा देगी, उसका आगे का भविष्य क्या होगा। होम्योपैथी में उसका इलाज है, ये सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं होम्योपैथी में इसका इलाज है, और अपने क्लिनिक पर सफलतापूर्वक ये एवं अन्य तमाम बीमारियों का, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स का परमानेंट क्योर हो रहा है और मरीज स्वस्थ हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात उठती है होम्योपैथी को लेकर कि देर में असर करती है, ये देर में असर करने का क्या है, इसको लेके बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना लेते हैं या फिर नहीं जाते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि साहब ये जड़ से खत्म करती है, ये बिल्कुल कहावत है, लोग उससे बात भी करते हैं, लेकिन क्या है इसका इसके बारे में गलतफहमी क्या है इसके बारे में? सवाल वापस अपने वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ रंगकर्मी लखनऊ के, उनसे करना चाहूंगा। मुकेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, मुकेश वर्मा जी अभी आए थे तो इनके गले में बहुत खराश थी, सोर थ्रोट थी और ये खांस रहे थे, तो अब यही बताएंगे कि दवा इनकी जुबान पर पड़ी है और 15 मिनट बाद ये बोले डॉक्टर साहब आइए एक इंटरव्यू ले लेते, तो ये दवा का एक्सपीरियंस बताएंगे। बिल्कुल असर है, बहुत बेहतर है डॉक्टर साहब, अभी मेरे गले में खराश थी और इस वक्त जब मैं बोल रहे हैं आपके सामने बोल रहे हैं, मेरा गला मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर है, जैसे मैं पहले बातचीत करता था वैसे ही है। तो होम्योपैथी में तुरंत इलाज है दवाओं का और बहुत कारगर इलाज है, बशर्ते दवा जर्मन हो, हाई क्वालिटी हो और आपका इकबाल कायम हो। दवा देते वक्त आपका डॉक्टर का इकबाल कायम हो, डॉक्टर में वो ईमानदारी हो, तो मैं मानता हूँ कि दवा छोड़िए, लोग पानी देते हैं फूंक के, पानी से मरीज सही हो जाता है। बहुत जगह होता है कि आदमी मौलाना पास गया, पंडित पास गया, उसने जल छिड़क दिया और जल से मरीज सही हो गया, तो कहीं ना कहीं इकबाल ईमानदारी का भी उसमें हाथ है और भगवान की कृपा हो जाए तो फिर क्या बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ समय समय पर कैंप आपके लगते रहते हैं, क्या मतलब है इसके कैंप के बारे में? कैंप के विषय में बहुत अच्छा सवाल, आप बड़ा हमें लग रहा है बहुत दिन से एग्जामिन कर रहे हैं हमको। कैंप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। कैंप के 2-3 मकसद होते हैं हमारे यहाँ। एक मकसद होता है कि एक गेट टुगेदर हो जाए, हमारे जितने पेशेंट हैं, हमारे जितने लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं तो सामाजिक व्यक्ति होने के कारण तमाम जब अच्छे लोग एक साथ मिलते हैं, तो जब यहाँ पे 2-3 हज़ार आदमी जुड़ता है और आपके छोटे से क्लिनिक में माननीय उप मुख्यमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश से लेके तमाम कैबिनेट मंत्री उनके साथ आते हैं और एक बड़ा अच्छा बातचीत का, संवाद का माहौल बन जाता है। एक मकसद उससे वो पूरा हो जाता है कि जनता अपने अधिकारियों के करीब आ जाती है। दूसरा मकसद, आपके क्लिनिक पे 5 लाख की दवा निःशुल्क पड़ जाती है, मुझे यह दवा उम्मीद संस्था के द्वारा दी जाती है, उनको भी बहुत बहुत आभार मैं करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वह दवा देती है और यहाँ से पात्र लोगों को, जरूरतमंद लोगों को वो ताकत के सिरप, वो खांसी के सिरप, वो लीवर के सिरप यहाँ से निःशुल्क वितरित हो जाते हैं। और तीसरा, यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में, मतलब जितने की किट की लागत होती है उतने पैसे में जांचें हो जाती हैं, जैसे थायराइड 100 रुपये में, लिपिड प्रोफाइल 150 रुपये में, लीवर प्रोफाइल 150 रुपये में, HbA1c 100 रुपये में, और इस तरह की तमाम जांचें हैं जो यहाँ पर, किडनी फंक्शन टेस्ट 100 रुपये में, इतने पैसे में लोगों की यहाँ जांच हो जाती है और लोग अपना स्वास्थ्य लाभ पा लेते हैं। निश्चित रूप से ये डॉक्टर साहब का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ जांचें वो हजारों की, लाखों की, या अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका रेट आखिर क्या होगा, ऐसे में सहूलियत के साथ में लोगों की सेवा करना, उनकी उनके लिए मतलब एक तरीके से 24 घंटा मुस्तैद रहना, मुहैया रहना एक सैनिक की तरह है। मैं भाषा समाज में आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और जब भी आपको लगे कि आप किसी मतलब हल्का सा भी स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरी उम्मीद के साथ में नखास में जो आपकी क्लिनिक है डॉक्टर उमंग खन्ना की, आप आ सकते हैं और आप अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। फिलहाल
भाषा संवाद में आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार भैया।